بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of Standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah, you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है इंस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा वो इंस्क्राइब अ सर्कल होगा, यानी कि सर्कल जो है वो ट्राइंगल के जो अंदर बनाना है, इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब अ सर्कल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनानी है, उसके पॉइंट्स होंगे ए बी सी और लेंथ जो हमें गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लेंथ 5 सेंटीमीटर को यूज करते हुए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाना है। इक्वल ट्राइंगल को ड्रा करने के बाद फिर हमने यहां पे जो रूल इस्तेमाल करना है वो होगा इंस्क्राइब अ सर्कल। इंस्क्राइब अ सर्कल का मतलब कि ट्राइंगल के इनर साइड में हमने सर्कल को ड्रा करना है जो ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स को पास करके जाए, उसको कहते हैं इंस्क्राइब अ सर्कल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। जी, ट्राइंगल के लिए हमें जो लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स वो 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर स्केल से स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसके पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे ए और बी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ए बी 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, अब यहां पे हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास के लिए हम स्केल की मदद से, स्केल से हम 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करने के बाद पॉइंट ए पे कंपास की नीडल होगी और ये जो आर्क लगेगी ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। फिर इसी तरह से 5 सेंटीमीटर ही हम कंपास ओपन रहने देंगे और इसको हमने पॉइंट बी से ड्रा करना है। ये दोनों कट्स जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये हमारा पॉइंट जो होगा ये हमारा सी पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको अटैच करना है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए से अटैच करना है और ये हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से पॉइंट सी को स्केल की मदद से हमने पॉइंट बी से अटैच करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 5 सेंटीमीटर यहां भी मेंशन कर दिया। ये हमने फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रा करना था। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हो, लेंथ हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ से जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि हमने सर्कल को ड्रा करना है और सर्कल को ड्रा करने के लिए हमारा सर्कल जो है वो ट्राइंगल के इनर साइड पे होना चाहिए। हमने यहां से याद रखना है कि यहां स्टार्टिंग में वर्ड आया है इंस्क्राइब, तो स्टार्टिंग में वर्ड इन है, इन का मतलब कि अब हमारा जो सर्कल होगा वो ट्राइंगल के इनर साइड पे होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इनर साइड पे सर्कल को ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, कंपास का यूज करेंगे। हमारे पास तीन कॉर्नर ए बी एंड सी, हम तीनों कॉर्नर्स पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का मेथड क्या है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का मेथड ये है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी सी कंपास ओपन करेंगे, कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे और कंपास को जब हम रोटेट करेंगे कंपास इस तरह से दोनों साइड्स को कट करेगी। अब आपने जितनी कंपास ओपन की है इसको चेंज नहीं करना, अब आपने ये जो आर्क ड्रा की है इसी तरह से, अब आपने यहां पे ये जो इसके टू कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे आपने उतनी ही कंपास ओपन रहने दे दी है। यहां से आपका एक आर्क ड्रा होगी, फिर यहां से आपने इसकी
सेकंड आर्क को ड्रॉ करना है और जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, इस तरह से हमारे पास ये आर्क ड्रॉ हो गए। आपने स्केल की मदद से इसको लाइन को ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पॉइंट ए पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से हम पॉइंट बी पर कंपास की नीडल रखेंगे, कंपास ओपन ही ऊपर रहने देना है। इसी तरह से आर्क बनेगी और यही दो पॉइंट से आपने कंपास को एक आर्क किस तरफ बनेगी, यहां पे कंपास की नीडल रखेंगे, ये आपको क्रॉस मिलेगा। अब आपने स्केल की मदद से स्केल की मदद से आपने इसको जो है वो कट कर लिया। अब इसी तरह से पॉइंट सी रह गया, उतनी ही कंपास ओपन है। अब आप पॉइंट सी पे जो है वो इसको आर्क को ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से जो है वो आप एक क्रॉस और दूसरे पॉइंट से जो है वो आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब आपने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करेगी और ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इसको हम पॉइंट ओ मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने तीनों कॉर्नर्स के कॉर्नर ए, कॉर्नर बी और कॉर्नर सी, इसके हमने ना तीनों के जो है वो बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए और इसका जो हमारा कॉमन सेंटर पॉइंट है ये हमारा कॉमन सेंटर पॉइंट ओ आ गया। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हमने ये देखना है कि हमने तो सर्कल ड्रॉ करना है डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर अगर आपने सर्कल बनाना है पॉइंट ओ, तो हमारा ये वो पॉइंट होगा जहां पे हमने कंपास की नीडल को रख के सर्कल को बनाना है। मगर अब हमें ये नहीं पता कंपास को ओपन कहां तक करें, उसके लिए हम क्या करेंगे जी? उसके लिए हम यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम जरा समझते हैं। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम ये पॉइंट ओ जो है यहां पे कंपास की नीडल को रखेंगे, ये पॉइंट ओ पे हम कंपास की नीडल को रखेंगे और कंपास का जो एरिया है इस बेस लाइन से थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ ओपन करेंगे, जितना ये हमने बेस लाइन से आगे की तरफ ओपन किया। अब हम आगे की तरफ ओपन करने के बाद यहां से ये हमें आर्क मिलेगी और ये जो आर्क हमें मिलेगी इसके ये टू पॉइंट्स आएंगे। अब इस पॉइंट पे उतनी ही कंपास ओपन है, इस पॉइंट पे रखेंगे आपको एक आर्क मिलेगी, फिर आप इसके दूसरे पॉइंट पे जब इसको रखेंगे तो ये आपको सेकंड आर्क मिलेगी। अब ये आपने एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया, अब आपने डॉटेड लाइन में इसको स्केल की मदद से डॉटेड लाइन में आप इसको जो है वो इस टाइप से ड्राइंग करेंगे। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि हम कंपास कहां तक ओपन करके सर्कल को ड्रा करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब जरा इसको देखिएगा, इसमें हमने जहां भी डॉटेड लाइन हमारी बेस लाइन को कट करेगी ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये हमारा डी पॉइंट होगा। अब हमने जो सर्कल अंदर ड्रा करना है हम यहाँ पे पॉइंट ओ पे कंपास की नीडल होगी और हमने अपनी कंपास को ओपन करना है पॉइंट डी तक। पॉइंट डी तक कंपास को ओपन करके अब हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे और यहां से इसको रोटेट जब हम करेंगे तो जो हमारा सर्कल ड्रा होगा वो हमारी ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल को जो है वो पास करके जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का मेथड है, अगर आप इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं करेंगे आपका सर्कल टू साइड्स को टच करेगा, थर्ड साइड मिसिंग रह जाएगी। इसलिए हमने जब एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये जो एल्टीट्यूड है ये हम लाजमी ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद आपने पॉइंट ओ से डी तक कंपास को ओपन करना है और इसको जब रोटेट करेंगे तो आपका सर्कल जो है वो ऑल थ्री साइड्स को लास्टली टच करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था टॉपिक इंक्लाइन ऑफ सर्कल, जिसमें आप सर्कल को ड्रा करते हैं ट्रायंगल के इनर साइड पे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपने इसी क्वेश्चन नंबर 4 की रिटन प्रैक्टिस कर ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू योर होमवर्क टास्क ऑन नीट रजिस्टर and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.